बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने बिग बॉस सीजन 12 का आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस सीजन 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, रंगोली टास्क से, लेकिन टास्क खत्म हो जाता है और इस दौरान रोमिल विकास गुप्ता से थोड़े नाराज नजर आते हैं और वो उनके संचालन को लेकर उनसे बातचीत करते हैं और इस दौरान विकास गुप्ता उन्हें समझाते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए और वो उन्हें बड़े ही प्यार से समझाते हैं और रोमिल उनकी बात समझ भी जाते हैं। और फिर अगले दिन की शुरुआत होती है एक तड़कते भड़कते गाने के साथ और इसमें विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे जिस काम के लिए घर में आए हैं वो उस काम पर लग जाते हैं, मतलब घर वालों को समझाना कि वो कर क्या रहे हैं और उन्हें करना क्या चाहिए। इस दौरान शिल्पा रोमिल को समझाती हैं, इस गेम में आप जिस तरह से खेल रहे हो, जिस तरह से आप सर्वाइव कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी फाइट यहाँ पर अपने आप से है। इस दौरान रोमिल उनसे कहते हैं, मैडम जी अगर कोई मुझसे बात करने आए तो मैं उसे धक्के देकर निकाल तो सकता नहीं। तो वो कहती है, यू आर राइट, यू शुड डू दैट। और इस दौरान विकास गुप्ता भी केवी को समझा रहे होते हैं कि तुम इस गेम में खुलकर सामने नहीं आ रहे हो, जैसा अग्रेशन दीपक में है ना वैसा अग्रेशन तुम में नहीं है। और दीपक को वो समझाते हैं कि तुम हर टास्क को जीतना चाहते हो, जीतने की चाह रखो, लेकिन ये भी सोचो कि तुम उस टास्क में कैसा कर रहे हो, इतना अच्छा कर जाओ कि पीछे से लोग बात करें, यार क्या करके गया था। विकास भी रोमिल को समझाते हैं कि तुम्हें इस घर में जो करना है वो करो, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या कर दो यहाँ पर, यहाँ पर तुम्हें कोई भी रोकने या टोकने वाला नहीं है, डू वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू। और इस तरह से विकास और शिल्पा दोनों ही घर वालों को समझाते हैं कि उन्हें किस तरह से आगे इस गेम को कंटिन्यू करना चाहिए। इसके बाद रंगोली टास्क के दूसरे दिन की शुरुआत होती है और दूसरे दिन भी काफी हंगामा होता है और इस दौरान जितने लड़ाई झगड़े होते हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुए। इस दौरान विकास और श्रीसंत के बीच में लड़ाई होती है और ये लड़ाई इस कदर होती है कि श्रीसंत विकास गुप्ता से कहते हैं, मर्द है तो खड़ा होके दिखा। तो श्री उनसे कहते हैं, लूजर। विकास कहते हैं, आपकी बदतमीजी देख ली मैंने, अपनी बदतमीजी अपने पास रखो। और ये बात काफी बड़ी होती है और इसमें उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। विकास गुप्ता की टीम शिल्पा शिंदे के रंग चुरा लेते हैं और साथ ही उनका प्लेटफॉर्म भी खराब कर देते हैं और इस बात से शिल्पा को काफी गुस्सा आता है, वो काफी इरिटेट हो जाती है और उन्हें और भी इरिटेट करने के लिए विकास गुप्ता शिल्पा के पास आते हैं और कहते हैं, शिल्पा आई रियली वांटेड टू हग यू। इस दौरान शिल्पा काफी अनकंफर्टेबल नजर आती है। श्रीसंत और केवी के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि केवी की गलती से श्रीसंत को चोट लग जाती है और श्रीसंत को लगता है कि उन्होंने जानबूझ कर किया और उन दोनों के बीच में झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि श्रीसंत केवी से कहते हैं कि इस घर में तेरा रहना मुश्किल कर दूंगा और केवी कहते हैं कि अगर तूने आगे से ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे मारूंगा जरूर। श्रीसंत और केवी की फाइट इस कदर बढ़ जाती है कि इस दौरान खींचतान होती है और खींचतान में केवी की साइड वाली दीवार गिर जाती है और दीवार के पास खड़े जितने भी लोग होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद रात में भी श्रीसंत और केवी के बीच की लड़ाई खत्म नहीं होती है। पहले गार्डन एरिया में उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई के बीच में श्रीसंत अपनी सिपा से केवी के ऊपर पानी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वाले बीच में आते हैं और उनका झगड़ा वहाँ पर शांत करवाते हैं, लेकिन श्री कहाँ शांत होते हैं। जब गार्डन एरिया में दीपिका से केवी बात कर रहे होते हैं तो श्री वहाँ पर वापस से आ जाते हैं और इस दौरान श्री इतने ज्यादा अग्रेसिव होते हैं कि उनका यहाँ पर दीपिका से भी झगड़ा हो जाता है और दीपिका कहती है, भाई आप ये कह रहे हो, 6 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर, आपने अभी तक कभी नहीं कहा कि मैं गलत हूँ और अब आप कह रहे हो कि गलत हूँ मैं, मैंने आपको हमेशा सपोर्ट किया और अब आप ये कह रहे हो कि मैं गलत हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। और इन दोनों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है लेकिन श्री का ध्यान होता है केवी पर और इस दौरान वो इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि केवी के साथ हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके श्री को वहाँ से ले जाया जाता है और झगड़े को वहाँ पर रोका जाता है। और इस रंगोली टास्क के दौरान मेघा धाड़े और सुरभि राणा इन दोनों के बीच में खींचतान नजर आती है और मेघा किसी भी कीमत पर सुरभि को रंगोली बनाने नहीं देती है। वो उनके प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ जाती है और सुरभि उन्हें वार्निंग देती है कि अगर किसी ने भी उन्हें टच किया उसकी खैर नहीं। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट के बिग बॉस हाउस में बताए गए डे 45 की हाइलाइट्स। और अगर दोस्तों आप बिग बॉस सीजन 12 की हर एपिसोड और हर दिन की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपको बिग बॉस सीजन 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना तो बेहद जरूरी है।